को बना के रख दिया है। ये रिश्ता मोदी जी क्या कहलाता है? आपका अडानी का अंबानी का ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए विपक्ष तो पहले ही गूंगा है, क्योंकि कांग्रेस के जो एमपीज हैं उनका दायित्व बनता है कि वो इस मुद्दे को उठाएं। अडानी ने अगर देश को डुबोने का काम किया तो प्रधानमंत्री कहे कि देश पे प्रहार है। जैसे कि मोदी सरकार ने सब कुछ एयरपोर्ट पोर्ट बिजली पानी सब कुछ अडानी के नाम कर दिया है, जो लोग पूंजीपति है उनको और पूंजीपति बना रही है, गरीबों को और गरीब बना रही है। हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि LIC में लोग अपना एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर किस्तों को पूरी करते हैं, बैंकों में लोग अपना पैसा डालते हैं, उन्होंने सारा का सारा बेच कर अडानी के नाम कर दिया। हम पूछना चाहते हैं कि गरीब जनता कहाँ जाएगी? जैसे कि अमरीका ने, जैसे कि अंबानी के जितने शेयर थे सबको खारिज कर दिया गया है। मोदी सरकार ने तो बीजेपी सरकार का खजानची अडानी को बना के रख दिया है, तो जो है जो देश की संपत्ति थी उसे सारी की सारी संपत्ति को अडानी के नाम कर दिया है। हम ये पूछते हैं मोदी सरकार से कि ये कब तक चलता रहेगा, कब तक ये ऐसे ही गरीब जनता पर अत्याचार करते रहेंगे? जब तक ईडी और CBI की जांच नहीं होती ऐसे ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे उतरते रहेंगे। संसद में क्यों नहीं करे इसका विपक्ष? संसद में कहां है विपक्ष? संजय जी है जो हमारे सांसद है, उन्होंने अपनी मांग रखी है कि अपनी जो भी है मोदी सरकार कर रही है उन पे जल्दी से जल्दी जांच करवाई जाए। हमारे जो सांसद है संजय सिंह ने, उन्होंने आवाज सांसद में उठाई है। देखिए विपक्ष तो पहले ही गूंगा है, क्योंकि कांग्रेस के जो MPs हैं उनका दायित्व बनता है कि वो इस मुद्दे को उठाएं, लेकिन असली विपक्ष का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ये जानना चाहती है कि ये रिश्ता मोदी जी क्या कहलाता है? आपका अडानी का अंबानी का ये रिश्ता क्या कहलाता है? 18 पन्नों की रिपोर्ट ने सारा कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इस देश की सारी संस्थाओं को, सरकारी संस्थाओं को बेचकर सरकार ने दो पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया। देश का अन्न लूटने की बात थी, किसान की जमीन को लूटने की बात थी, तो उसके लिए भी अडानी और को आगे कर दिया। जो भी 8 साल में मोदी सरकार ने वायदे पहले किए थे आज किए, एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। 2 करोड़ रोजगार की बात थी, अगर रोजगार मिले तो बताइए, 15 लाख की बात थी तो बताइए, एयरपोर्ट बेच दिए, रेल बेच दिया, LIC बेच दी, बैंकों का निजीकरण कर दिया, किसी भी चीज में। अब ये जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, ये जुमला पार्टी लोगों को गरीब करने का काम कर रही है और राजाशाही लाना चाहती है कि अमीर अमीर हो जाए, गरीब और गरीब हो जाए, कुछ पूंजीपतियों को अपने साथ लेके इस देश पे सत्ता पे काबिज रहा। संसद में क्यों नहीं चर्चा हुई, क्यों नहीं इस पे बातचीत हो रही? क्यों संसद में वो चर्चा करना ही नहीं चाहते, मेजोरिटी में है। जब तक बाकी जो पार्टियों के MPs हैं उनकी संख्या बल कम होने के कारण उनको दबा लिया जाता है, बोलने का समय नहीं दिया जाता। स्पीकर की तरफ से अगर उनको पूरा समय मिले और सभी पार्टियों के, सभी दलों के, पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को लेकर एक कमेटी गठित करके इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए तो दूध का दूध पानी का पानी। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राष्ट्र के ऊपर विदेशी ताकतों का प्रहार है, ये तो देश की स्टॉक मार्केट को डाउन करने की साजिश है, वो बोल रहे हैं। विदेशी ताकतों का कोई नहीं, ये तो बीजेपी का ग्राफ नीचे गिर रहा है। बीजेपी को अपनी शाख का डर है, बीजेपी को अपनी सरकार कैसे बनानी है उस चीज का डर है। विदेशी ताकतें तो आएंगी तब देखेंगे, लेकिन घर के ही जब बाड़ी खेत को खाने लग जाए, जिन लोगों को आप संस्थाएं बेच रहे हो वही लोग इस देश को डुबोने का काम करे तो जवाब कौन देगा? लोग कहते हैं कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये राष्ट्र पर प्रहार है, मोदी जी कहे ना, अडानी ने अगर देश को डुबोने का काम किया तो प्रधानमंत्री कहे कि देश पे प्रहार है। प्रधानमंत्री जी तो उनको अपनी बुकों में लेके बचाने का काम कर रहे हैं, LIC और SBI से दोबारा फिर लोन दिलवा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के द्वारा क्या कुछ प्रारूप तैयार किया गया है इसको लेकर अभी विरोध प्रदर्शन? अभी आम आदमी पार्टी ने जिला स्तर पर पूरे हरियाणा में, पूरे देश में आंदोलन किया है। इसके बाद हम घर घर जाएंगे, गाँव गाँव जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और ये बताएंगे कि कैसे कारपोरेट आप लोगों को लूट रही है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बर्बाद करके उनको शहरों में पलायन करा के मजदूर बनाना चाहती है, किसानी को बर्बाद करना चाहती है, जवानी को बर्बाद करना चाहती है,
इतना युवा आप देखिए बिल्कुल बेरोजगार घूम रहा है, आज प्रदर्शन करने की क्या जरूरत होती है? अगर मोदी जी ने रोजगार दिया होता, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया होता, थ्री टायर सिस्टम को खत्म करने का, सभी सरपंच आप देखिए धरनों पे बैठे हैं, पटवारी धरनों पे बैठे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक के कर्मचारी धरनों पे बैठे हैं। कौन सी ऐसी सरकारी संस्था के कर्मचारी हैं जो आज धरने पे नहीं है? इन लोगों ने पूरी व्यवस्था को तहस नहस करने का काम किया।